हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूँ आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोगों ने कहा था कि फीटर ट्रेड के जो क्वेश्चन है निम्मी असाइनमेंट टेस्ट, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आज से चलिए शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का सेशन, निम्मी असाइनमेंट टेस्ट। फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग नए सत्र में एडमिशन लेना लिए हैं उनके लिए, जिनका सेशन 2020-2022 होगा, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपके आईटीआई एग्जाम के लिए, चाहे आईटीआई लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। और पहला प्रश्न है, वो प्रश्न लिया गया है, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि विच मिनिस्ट्री प्रमोट्स नेशनल स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो क्वेश्चन में कहा रहा है कि कौन सा मंत्रालय जो है वो भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास को बढ़ावा देती है। तो राष्ट्रीय कौशल जो विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए किस मिनिस्ट्री का गठन किया गया है, यानी कौन सा मंत्रालय भारत में स्किल डेवलपमेंट का काम करती है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, क्या वो है? या फिर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो मिनिस्ट्री है वो, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, क्या वो है? या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हैगा। क्योंकि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भारत में स्किल डेवलपमेंट का बढ़ावा देती है, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में कहा गया है कि What is the full form of ITI? तो ये आपसे अनभिज्ञ नहीं होगा कि ITI का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि ITI का फुल फॉर्म क्या है, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ऑप्शन के अनुसार आप देखिए, क्या इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो प्रश्न को आप जानते होंगे, ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं वहां पे ITI की ट्रेनिंग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। What is the full form of NCVT? NCVT का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, आप लोग जान सुने होंगे NCVT सर्टिफिकेट देती है, SCVT। तो NCVT का क्या फुल फॉर्म है, SCVT का क्या फुल फॉर्म है? तो सबसे पहले जानते हैं NCVT का फुल फॉर्म क्या है। क्या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, या फिर नेशनल कमिटी ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल करिकुलम ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग? तो एनसीवीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी। जो आईटीआई के लोगों को, जो आईटीआई में एडमिशन लेते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, वो है एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब जानते हैं कि एससीवीटी क्या होता है। एससीवीटी आप सुने होंगे कि एक कोर्स जो है एससीवीटी करवाया जा रहा है या फिर एनसीवीटी करवाया जा रहा है। तो एससीवीटी होता है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होती है वो हर स्टेट के अंदर होती है। वो जिस स्टेट में आप है उस स्टेट के गवर्नमेंट जो है आपके लिए कौशल विकास के लिए स्टेट के तौर पर, यानी कि अपने स्टेट में वो बढ़ावा देती है एससीवीटी के माध्यम से। वही एनसीवीटी क्या है कि ये जो है पूरे भारत में ये क्या करती है, एक संस्था है एनसीवीटी, जिसके माध्यम से सभी राज्यों में उसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है एनसीवीटी के माध्यम से। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग समझ गए होंगे एनसीवीटी और एससीवीटी। चलिए अगला प्रश्न,
विच इंस्टीट्यूट डेवलप ट्रेनिंग कोर्स मटेरियल फॉर आईटीआई? आईटीआई के लिए कौन सा संस्थान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करता है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि आप जो आप आईटीआई में पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आईटीआई का कोर्स का डेवलपमेंट होता है, जो कोर्स मटेरियल तैयार करती है, वो कौन सी संस्था करती है। तो आप लोग ने सुना होगा इसके बारे में कि क्या कोर्स जो है वो कौन डेवलप करता है, क्या सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो सीटीआई होती है क्या वहाँ पे कोर्स डेवलपमेंट का कार्य होता है, या फिर एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो एटीआई है वहाँ पे, या एफटीआई फॉरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या यहाँ पे मटेरियल तैयार होता है, डेवलप होता है, या फिर निम्मी नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। तो आप लोग सुने होंगे कि निम्मी के थ्योरी बुक, निम्मी के असाइनमेंट टेस्ट, निम्मी के क्वेश्चन बैंक, निम्मी के प्रैक्टिकल सेट, होगा निम्मी पैटर्न। तो इन सारे चीजों को जो है वो निम्मी नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट जो है आईटीआई के छात्रों के लिए, आईटीआई की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए मटेरियल, कोर्स मटेरियल तैयार करती है। आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी। और निम्मी का जो मुख्यालय है दोस्तों वो चेन्नई में है, वहां से ये कोर्स डेवलपमेंट का कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न पे। और हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि आप लोग निम्मी के मीडिया जो मटेरियल है उसको फॉलो कीजिए, क्यों? क्योंकि निम्मी जो है वो आईटीआई के कोर्स को डेवलप करती है, तो निम्मी का आप लोग फॉलो करेंगे तब आप अच्छे जानकारी प्राप्त करेंगे और आप पे अच्छा मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। हु इज द हेड ऑफ आई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? इंडस्ट्री औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस आईटीआई में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो वहां का प्रमुख कौन है। तो क्या यहाँ पे प्रिंसिपल होना चाहिए था, प्रिंसिपल या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर, ग्रुप इंस्ट्रक्टर, या फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो आईटीआई में जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है वहां का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रिंसिपल। तो ऑप्शन एक करेक्ट है कि प्रिंसिपल जो होते हैं वहां पे आईटीआई में प्रमुख के तौर पे कार्यरत होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों ये जो था असाइनमेंट टेस्ट का जो है पहला भाग था जिसमें एक्सरसाइज जो था वो 1.1.01 जो सेफ्टी के अंतर्गत आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे जो है एक्सरसाइज, वो है एक्सरसाइज 1.1.02। तो ये दूसरे चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न जानते हैं। Who is responsible for safety? सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों जब आप कहीं पे काम करते हैं, चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी फैक्ट्री में काम करते हो, क्या आप आईटीआई में वर्क करते हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो वहाँ पर सेफ्टी सुरक्षा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, आपकी सेफ्टी बहुत ही जरूरी होती है। तो उस सेफ्टी के लिए कौन जिम्मेदार होता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं क्या वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सेफ्टी के लिए जिम्मेदार है, या एवरीबॉडी, या समबडी, या फिर सुपरवाइजर? तो सुरक्षा के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, यानी कि एवरीबॉडी जो है वहां पे जो पढ़ रहा है या ट्रेनिंग ले रहा है या फिर वहां पे जो भी वर्क कर रहे हैं वो सेफ्टी के लिए जिम्मेवार हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, एवरीबॉडी, एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी, सभी लोग सेफ्टी के लिए जिम्मेवार होते हैं जहां पे आप जिस वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे।
विच कम्स अंडर द जनरल सेफ्टी, जो सामान्य सुरक्षा के तहत आता है। तो सेफ्टी दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेफ्टी जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक जनरल सेफ्टी होती है, एक पर्सनल सेफ्टी होती है, और तीसरा जो सेफ्टी होती है वो मशीन सेफ्टी होती है। तो थ्री आर टाइप्स के सेफ्टी होते हैं। तो वर्कशॉप में आप जब काम करते हैं तो जनरल सेफ्टी के अंतर्गत क्या आता है? क्या जनरल सेफ्टी के अंतर्गत वियर वन पीस ओवरऑल, आप जो वन पीस ओवर पहनने के लिए कहा जा रहा है, क्या जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आता है? या फिर कीप द मशीन क्लीन, मशीन को साफ रखना जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आता है? या कीप द फ्लोर एंड गैंगवे क्लीन, जो फ्लर्स और गैंगवे है उसको साफ रखना जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आता है? या फिर स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड, गति बदलने से पहले मशीन को बंद करें। तो जनरल सेफ्टी के अंतर्गत क्या आता है कि जो आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहां पे साफ सफाई, यानी कि आप फर्श को क्लीन और गैंगवेज को जो है वो क्लीन करते हैं, वो एक जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। वही स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग, यानी कि गति बदलने से पहले मशीन को बंद करना, ये मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आता है। मशीन को साफ करना मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आता है। और वन पीस ओवरऑल पहनना, यानी कि जो एक देखते होंगे कि एक पूरा ऊपर से नीचे तक जो पोशाक पहनते हैं किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी, फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी, उसको वन पीस ओवरऑल कहा जाता है, या तो उसका जो है वो एक पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न में जो कीप द फ्लोर एंड गैंगवे क्लीन जो है वो जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न में भी जनरल सेफ्टी से ही प्रश्न पूछा गया है। विच कम्स अंडर द जनरल सेफ्टी, जो सामान्य सुरक्षा के तहत आता है। तो क्या नेवर लीन ऑन द मशीन, मशीन पे नहीं झुके, क्या ये जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आता है? या वियर सेफ्टी शूज और बूट, जो सेफ्टी शूज और बूट है उसको पहनना? या फिर मूव विथ केयर इन द वर्कशॉप, डू नॉट रन, तो वर्कशॉप में आप सावधानी से चलें, दौड़े नहीं, क्या ये जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आता है? या फिर स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड, गति बदलने से पहले मशीन को बंद करें। तो क्या मशीन को गति बदलना है तो उसे पहले बंद कर दें, क्या ये जनरल सेफ्टी में आता है? तो ये जनरल सेफ्टी के अंतर्गत जो है आप देख सकते हैं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा मूव द केयर विथ वर्कशॉप एंड डू नॉट रन, यानी कि वर्कशॉप में आप सावधानी से चढ़े, दौड़े नहीं, ये एक जनरल सेफ्टी है, यानी कि ये जो है सभी के लिए मान्य है, सभी को इस रूल को फॉलो करना है, वर्कशॉप में दौड़ना नहीं है, सावधानी से चलना है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो सेफ्टी से लिया गया है, पर्सनल सेफ्टी से। तो चलिए इसका आंसर बताइए कि विच कम्स अंडर द पर्सनल सेफ्टी, जो व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत क्या, डू नॉट वेयर रिंग, वॉच एंड चैन, तो अंगूठी, घड़ी या चैन ना पहने, क्या ये पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है? या कीप द फ्लोर एंड गैंगवे क्लीन एंड क्लियर, जो फर्श और गैंगवे है उसको साफ रखना, क्या ये जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आएगा? या टू टेक मेजरमेंट ओनली आफ्टर स्टॉपिंग द मशीन, मशीन के बंद करने के बाद आप माप लेंगे, तो क्या ये पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आएंगे? या फिर आपका चौथा ऑप्शन है कि डिसएंगेज द ऑटोमेटिक फीड बिफोर स्विचिंग ऑफ, स्विच ऑफ करने से पहले जो स्वचालित फीड्स हैं उसको छोड़ देना, यानी कि डिसएंगेज करना, क्या ये, तो ये तो मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आएंगे। मेजरमेंट जब मशीन पे ले रहे हैं तो भी ये मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आएंगे। आप जब गैंग बे और फ्लोर को क्लीन कर रहे हैं तो ये तो जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आते हैं। तो डू नॉट वियर रिंग और वॉच और चैन, ये आपका पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, डू नॉट वियर रिंग, वॉच, चैन, घड़ी, अंगूठी और चैन ना पहने, ये एक
पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। चलिए एक और प्रश्न है, पांचवा प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि विच कम्स अंडर द मशीन सेफ्टी। तो मैंने कई मशीन सेफ्टी को आपको बताया है, तो क्या ये पहला ऑप्शन है जो मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आता है? क्या वियर सेफ्टी शूज और बूट, जूता और जो बूट है उसको पहनना, क्या ये जनरल मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आता है? या डू नॉट वॉक अंडर द सस्पेंडेड लोड्स, निलंबित भार के तहत नहीं चलने, या फिर नेवर टच द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विथ द वेट हैंड, यानी कि गीली हाथों से जो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको ना छूचे, या स्विच ऑफ द मशीन इमीडिएटली इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर मशीन में कुछ गलत होता है तो मशीन को तुरंत बंद कर दें। तो ये क्या है, मशीन से रिलेटेड सेंटेंस है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्विच ऑफ द मशीन इमीडिएटली इफ सम Something goes wrong, यानी कि जब कुछ गलत हो रहा है मशीन में तो मशीन को तुरंत बंद कर दीजिए। ये एक मशीन सेफ्टी का प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे, What is the method to avoid accident, दुर्घटना से बचने का क्या तरीका है? तो सबसे बड़ा चीज है, दुर्घटना होता क्या है, दुर्घटना क्या होता है, ये कभी भी हो सकता है। कोई भी अगर आप इनएक्टिव होकर, यानी कि आप मन से काम नहीं कर रहे हैं तो दुर्घटना होगा, या फिर आप जो जानकारी नहीं है और मशीन चला रहे हैं तब दुर्घटना हो सकता है। तो दुर्घटना से बचने का क्या तरीका है? तो पहला ऑप्शन है बाय वेयरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी उपकरण पहनकर आप दुर्घटना से बच सकते हैं, या डूइंग थिंग्स इन वन्स ऑन वे, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं वो अपने तरीके से कर रहे हैं तो क्या एक्सीडेंट से बच सकते हैं, या डूइंग थिंग्स विथ हाईली स्किल्ड वर्किंग प्रैक्टिस, एक उच्च कुशल काम करने के अभ्यास के साथ जो आप काम कर रहे हैं तो क्या दुर्घटना से बच सकते हैं, या फिर बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन रिलेटेड टू अ जॉब मशीन एंड वर्किंग प्लेस। तो आप दुर्घटना से कैसे बच सकते हैं, क्या जब आप जॉब मशीन कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा सावधानी को अवलोकन करके? तो सबसे बड़े दोस्तों, यदि आप किसी मशीन को नहीं जानते हैं, आप उसको सेफ्टी को जानिए, उसके बाद आप मशीन में आप जो जॉब नहीं जानते हैं तो उसको जॉब को जानिए, उसके बाद जो आप वर्किंग प्लेस है उसको जानिए, और उसके साथ सुरक्षा सावधानी को आप बरतेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, दुर्घटना से बच सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन रिलेटेड टू जॉब मशीन एंड वर्किंग प्लेस। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, विच वन ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर हेड प्रोटेक्शन, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE कौन सा सिर के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आजकल आप लोग बहुत ही पॉपुलर जो वर्ड है PPE किट, यानी कि जो आप कोरोना वायरस के बाद PPE किट काफ़ी पॉपुलर हो गया है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो मेडिकल लाइन में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावे जो आप किसी इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, फैक्ट्रीज में भी काम करते हैं तो वहाँ भी PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो सिर की संरक्षण के लिए, यानी कि सिर की सुरक्षा के लिए आप कौन से पर्सनल इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, क्या गम बूट्स, हेलमेट, नोज मास्क, या हेड शील्ड? तो आप जब अपने सिर की सुरक्षा करना है तो वहां पे आप जो इस्तेमाल करेंगे हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेलमेट के द्वारा आप अपने सिर की सुरक्षा करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज फॉर फूड प्रोटेक्शन,
पैर की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्रश्न में कहा गया है कि जो पैर की सुरक्षा है उसके लिए हम कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे, एयर प्लग का इस्तेमाल करेंगे, सेफ्टी शूज का, या फिर हैंड ग्लव्स? तो पैर की सुरक्षा के लिए आप इस्तेमाल करेंगे सेफ्टी शूज, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वही अगला प्रश्न है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर नोज प्रोटेक्शन, नाक की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो नीचे दिया गया ऑप्शन है उसमें जो नाक की सुरक्षा के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या ईयर मफ का इस्तेमाल करेंगे, गॉगल्स का, फेस शील्ड, या फिर नोज मास्क? तो नाक की सुरक्षा के लिए इंडस्ट्रीज में जहाँ पे रसायन से जुड़े हुए या फिर मेडिकल में जो इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे नोज मास्क लगाना जरूरी होता है ताकि नाक से सुरक्षा प्रदान किया जा सके, जो स्मेल वगैरह हो उससे सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज फॉर हैंड प्रोटेक्शन, हाथ की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हैंड के लिए आप इस्तेमाल करेंगे हैंड ग्लोव्स, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज फॉर फेस प्रोटेक्शन, चेहरे की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फेस आपके चेहरे हैं उससे आपको सुरक्षा प्रदान करना है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या फेस शील्ड का इस्तेमाल करेंगे, हेलमेट का, हैंड शील्ड का, या फिर नोज मास्क? तो फेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है फेस शील्ड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, फेस शील्ड, जिससे कि आपका चेहरा जो है वो सुरक्षा आपको चेहरा को मिल सके। अगला प्रश्न है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज फॉर आई प्रोटेक्शन, नेत्र की सुरक्षा के लिए यानी कि आंख के सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जब आई की आंख की आपकी सुरक्षा की बात होती है तो वहां पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या हैंड ग्लव्स, गॉगल्स, नोज मास्क, या हेलमेट? तो आंख की सुरक्षा के लिए आप इस्तेमाल करेंगे गॉगल्स, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, गॉगल्स। चलिए अगले प्रश्न पे, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज फॉर ईयर प्रोटेक्शन, कान की सुरक्षा के लिए आप किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जब कान की सुरक्षा की बात ही की जाती है तो कान के लिए आप इस्तेमाल करेंगे क्या फेस शील्ड का इस्तेमाल करेंगे, गॉगल्स का, हेलमेट का, फिर या फिर ईयर प्लग का? तो कान की सुरक्षा के लिए आप इस्तेमाल करेंगे ईयर प्लग, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ईयर प्लग। चलिए अगले प्रश्न पे, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज फॉर द बॉडी प्रोटेक्शन, शरीर की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जब बात की जाती है शरीर की यानी कि पूरे शरीर की सुरक्षा करनी है तब आप किस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, हैंड शील्ड, लेदर एप्रॉन, हेलमेट, या फेस शील्ड? तो जब शरीर की बात की जाती है तो वहां पे आप लेदर एप्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, लेदर एप्रॉन का इस्तेमाल करेंगे शरीर की सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है आपके निम्मी असाइनमेंट टेस्ट फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपको और आपके मित्र जो है इस प्रकार के प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का सेशन आज समाप्त होता है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप जैसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन का टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद
आप वीडियो अपलोड होने के बाद आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए सेशन में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।